डकैती आदिवासी लोगों को मूतना मारना ये जो आतंक मचा के रखा है। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से, जहां जन आक्रोश यात्रा में अमिलिया पहुंचे छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा। भाजपा सरकार का घेरिन और सीधे सीधे भ्रष्टाचार के लगाइन गंभीर आरोप। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल पहली न्यूज चैनल में हम कनिश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जहां अपना बचक बताया दी कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में शिवराज सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा के आयोजन की जा रहा है। वहीं यात्रा सीधी जिला के सिहावल पहुंची, जहां यह यात्रा में शामिल होए खातिर छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा पहुंचे तथा उनके द्वारा प्रदेश के शिवराज सरकार का जो है आड़े हाथ लीनगा। उनके द्वारा कहा गया कि राज्य में आदिवासी पर जुल्म हो रहे हैं, विकास के मामला में राज्य काफी पिछड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा नहीं मदारी के संज्ञा के जो है आरोप लगावत की भ्रष्टाचार युक्त सरकार के संज्ञा दी नहीं, तो निश्चित तौर पर यह कहा जाए आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू है। और लगातार एक ओर जहां भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो दूसरे ओर कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। तो सुनी सभा के पूरा बयान अपन अपने परिवार जी, आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी, आदरणीय वंशपति साकेत जी, आदरणीय युवा मंत्री जी, मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ में क्या अंतर समझ में आया? आज मैं सवेरे आया हूँ, यहीं से मैं विधायक भी था मध्य प्रदेश में। उस समय का मध्य प्रदेश अभी का मध्य प्रदेश बहुत अंतर है। हमारा छत्तीसगढ़ में रोड है, पानी है, बिजली है, 24 घंटा बिजली है। वहाँ के लोगों को 2600 रुपया दान खरीदी हो रहा है, वहाँ के गरीब लोगों को 7000 रुपया मिल रहा है। सीरा गुंडिया को यह पेंशन 3 महीना से नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों को लाडली बहने के नाम से वो सीरा सिंह जितना झूठ बोल रहा है वो हकीकत मैदान में नहीं है। यहाँ के लोग बहुत परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है। सीधी जिला जिला में पानी नहीं है, धान का फसल नहीं है, उनको सूखा घोषित नहीं किया। ये कैसा मुख्यमंत्री है, कैसा सरकार है? जनता को कोई पूछ नहीं रहा। सबसे ज्यादा डकैती आदिवासी लोगों को मूतना मारना ये जो आतंक मचा के रखा है। यहाँ के लोगों से मेरा पता चला है कि आने वाला समय में बड़ी बहुमत से कमलनाथ का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार, राहुल गांधी के सरकार और हमारे खड़गे जी के नेतृत्व का सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगा। आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर आरोप लगाए मामा नहीं मदारी है, मामा नहीं हो तो नाचते रहता है, खिलाड़ी तो एक नाट करने वाला नाचता है रोज। मामा बहनी बड़ो एक दिन बोलो 10 दिन बोलो और समझ में आता है। तो रोज इस टाइप का बोलने से कैसा लगता है, लोग उब चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। कैबिनेट में आज पेश होने जा रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए, क्या कहेंगे कैबिनेट? पहले से पुराना मांग थी सोनिया गांधी, हमारा पार्टी पहले से तैयार थी, अगर इसको होगा तो स्वागत है, धन्यवाद। हेलीकॉप्टर